हेलो एवरीवन, दिस में मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम द स्टोरी ऑफ क्रिकेट की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का इतिहास। क्रिकेट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द मेनी गेम्स प्लेड विद अ बॉल एंड अ बैट इन इंग्लैंड फ्रॉम पास्ट 500 ईयर्स। तो क्रिकेट उन गेम्स में से, उन खेलों में से जिसको एक बॉल और एक बैट की मदद से खेला जाता है इंग्लैंड में पिछले 500 सालों से। इट इवॉल्व्ड एज अ डिस्टिंक्ट गेम अराउंड 17th सेंचुरी और इसको, इसकी जो पहचान 17वीं शताब्दी में मिली। इनिशियली ड्यूरिंग द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी द बैट यूज टू बी लाइक द हॉकी स्टिक कर्विंग आउटवर्ड। और शुरुआत में मिड 18th सेंचुरी यानी कि जो शुरुआत में 18वीं शताब्दी के बीच में जो बैट होता था वो एक हॉकी स्टिक की तरह आगे से मुड़ी हुई होती थी। द टेस्ट मैचेस प्लेड इन क्रिकेट आर द ओनली फॉर्मेट ऑफ एनी गेम दैट इज प्लेड फॉर 5 days एंड कैन स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। और जो टेस्ट मैच खेला जाता है क्रिकेट में वो सिर्फ खाली एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको 5 दिनों तक खेला जाता है और इसके बावजूद भी बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि ये ड्रॉ पे ही ख़त्म होता है जहाँ पे कोई भी टीम नहीं जीतती है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज 22 yards। और एक और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि जो पिच की जो लंबाई है वो 22 गज की होती है। बट द साइज ऑफ द ग्राउंड रिमेन्स अनस्पेसिफाइड। और जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम का जो ग्राउंड होता है वो अनस्पेसिफाइड है, उसमें कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। कुछ के साइजेस छोटे होते हैं, कुछ के साइजेस बहुत बड़े होते हैं। देर आर ओवल एज वेल सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड। अंडाकार में भी आपको स्टेडियम्स मिल जाएंगे और जो बहुत ही गोल आकार हैं सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड्स वो भी मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया भी अनस्पेसिफाइड ग्राउंड्स साइजेस होते हैं। रूल्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के कुछ रूल्स, नियम। रूल्स अबाउट क्रिकेट वर फर्स्ट रिटन अराउंड 1744। जो क्रिकेट से जुड़े हुए जो रूल्स थे वो 1744 में पहली बार लिखे गए थे। इट गेव द एम्पायर्स द पावर टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। और वहीं से एम्पायर को पावर दी गई, शक्ति दी गई कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बहस हो जाती है या फिर कोई भी विवाद हो जाता है तो वो अम्पायर उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। इट स्पेसिफाई द स्टम्प्स टू बी 22 inches हाई एंड द बेल्स अक्रॉस देम टू बी 6 inches। और फिर यहीं पे इन्हें बताया गया कि जो स्टंप होंगे वो 22 इंच ऊंचे होंगे और स्टंप के ऊपर जो बेल्स रखी जाती है, जो छोटी सी दो बेल्स रखे जाते हैं, वो 6 inches लॉन्ग होंगे। द बॉल वे अबाउट 5 or 6 ounces। और जो बॉल का वजन है वो 5 या 6 ounce की होंगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ स्टम्प्स वॉज 22 yards। और जो दोनों स्टम्प है, दोनों पिच के जो अगर आप देखोगे, आप दोनों स्टंप्स के बीच की जो दूरी है वो 22 गज रखी गई है, 22 yard। द फर्स्ट क्रिकेट क्लब केम इनटू एग्जिस्टेंस इन हैम्बलडन इन 1760s। जो सबसे पहला क्रिकेट का क्लब था वो हैम्बलडन में 1760 में आया, एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश इन 1744। और जो पहला लेग बिफोर लॉ था, जो नियम था, वो 1744 में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। एंड इट वॉज अराउंड द सेम टाइम दैट द थर्ड स्टम्प बिकेम पॉपुलर। और ये वही समय था जब थर्ड स्टम्प बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बाय 1780 द मैचेस वर प्लेड फॉर अराउंड 3 days। और तब मैचेस को 3 दिनों तक खेला जाता था। एंड द फर्स्ट 6-seam बॉल वॉज ऑल्सो क्रिएटेड इन द सेम टाइम। और यही वही समय था जब दो गोलाकार चीज़ों को जोड़कर एक नया बॉल बनाया गया। क्रिकेट इक्विपमेंट, क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स, टूल्स कह सकते हैं आप उनको या चीज़ें कह सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद क्रिकेट कंटिन्यूज टू बी हैंडमेड स्टिल टुडे। और जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है क्रिकेट से जुड़ा हुआ वो ये है कि वो अभी भी हाथों से ही बनाया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल एंड प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स। और इनको नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है, प्री इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, उन मटेरियल से उनको तैयार किया जाता है। द बैट्स आर हैंडमेड ऑफ कॉक। और जो बल्ले होते हैं, बैट होती हैं, उनको हाथों के द्वारा कॉक की हेल्प से बनाया जाता है। लेदर, चमड़ा एंड ट्वाइन, आप ये ट्वाइन के हत्ते को हम बोलते हैं ट्वाइन। और आपने बैट पर भी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे आपको धागे टाइप के मिल जाएंगे जो उसको लपेटा जाता है उनके बल्ले को हत्थे से, सो दैट इज कॉल्ड ट्वाइन। ओनली द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक द पैड्स, ग्लव्स एंड हेलमेट, सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक वल्केनाइज रबर एसेट्रा आर यूज। और से जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट जो हमारे हाथ को बचाते हैं, पैर को बचाते हैं, घुटनों को बचाते हैं, उनके लिए सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, उसके लिए रबड़ का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज सब बैट,
हैंडमेड होता है। क्रिकेट वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया इन बॉम्बे वाइजी जोरो एस्ट्रियन और पारसिक कम्युनिटी। तो इंडिया में सबसे पहला क्रिकेट खेला गया था पारसिक कम्युनिटी के द्वारा, पारसी लोगों के द्वारा, जिनको हम जोरोएस्ट्रियन भी कहते हैं। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1848 वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। और इंडियन क्रिकेट क्लब जो सबसे पहला था वो बॉम्बे में बना गया था 1848 में, और इसका नाम था द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। द पारसीज हैड टू ओपन बिल्ट दे ओन जिमखाना फॉलोइंग अ क्वारल विद द व्हाइट्स फॉर द बॉम्बे जिमखाना। तो पारसीज ने अपना खुद का जिमखाना बनाया था क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी, क्वारल का मतलब है लड़ाई होना, तो जो अंग्रेज थे उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी बॉम्बे जिम खाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अपना एक नया जिम खाना बनाया। इन 1889 द बॉम्बे जिम खाना टीम वॉज डिफीटेड बाय द पारसी टीम। और 1889 में बॉम्बे जिम खाना को हराया गया था पारसी टीम के द्वारा। मॉडर्न क्रिकेट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो मॉडर्न क्रिकेट और क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट। मॉडर्न क्रिकेट, अगर आप आज के क्रिकेट देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैचेस और वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स दिखाई देंगे ज़्यादा। सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हुम वी ऑल फॉन्डली रिमेंबर आर द वंस हु हैव प्लेड इन द टेस्ट क्रिकेट। और बहुत सारे जो ग्रेट, बहुत महान खिलाड़ी जो हुए हैं जिनको हम अभी भी याद करते हो, तो उन सब ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खेला है। सी के नायडू इज वन ऑफ द सच ग्रेट प्लेयर्स, और उनमें से एक सी के नायडू हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन भी थे। इंडिया बिकेम अ टेस्ट प्लेइंग नेशन इन 1932, और इंडिया 1932 में टेस्ट खेलने वाला देश बना। मैनी ईयर्स बिफोर इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, और क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता थी वो 1947 से मिली थी, और 1932 में इंडिया देश बन चुका था जो कि टेस्ट खेलने के लिए रेडी था। टेस्ट क्रिकेट इनिशियली वॉज प्लेड अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड नॉट बिटवीन सॉवरन स्टेट्स। तो टेस्ट क्रिकेट शुरुआत में जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ जहाँ था, तो उनके बीच में शुरू किया करवाया गया टेस्ट क्रिकेट। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। टेलीविजन कवरेज हैज़ ब्रॉट क्रिकेट टू एवरी हाउस होल्ड, और क्योंकि टेलीविजन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हर जगह, क्योंकि टेलीविजन इजिली अवेलेबल है, तो टेलीविजन के द्वारा ही सभी घरों में क्रिकेट को देखा जाने लगा। विद द सैटेलाइट टेलीविजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैच लाइव अपडेट्स ऑफ मैच प्लेड एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, और क्योंकि अब सैटेलाइट टेलीविजन होने की वजह से अभी पॉसिबल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तभी आपको लाइव क्रिकेट मैच आप देख सकते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट व्यूअरशिप ऑफ द गेम एंड इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिकेट। इंडिया में व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग आपको क्रिकेट पसंद, ज़्यादातर लोग इंडिया में क्रिकेट को पसंद करते हैं और खेलना भी ज़्यादा चाहते हैं, और क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट दुनिया में इंडिया ही है। 150 years ago our Parsi ancestors had to struggle to play the game. 150 साल पहले जो हमारे पारसी ancestors थे, जो पारसी लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा struggle किया इस game को खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। But today Indian cricket players are the best paid and the most famous in the world. और आज की अगर आप देखेंगे आज की बात, तो इंडियन क्रिकेट सबसे ज़्यादा बेस्ट पेड है, सबसे ज़्यादा सैलरी उनको मिलती है इन टर्म्स ऑफ कैश, और वो सबसे ज़्यादा फेमस भी इस वर्ल्ड में। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस। चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो।